क्या हाल है मेरे साइंस फिक्शन लवर। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी फिल्म के बारे में जो आपको फ्यूचर की दुनिया में ले जाएगी। फुल ऑन विजुअल धमाके के साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ थाउजेंड प्लैनेट्स, रेडी प्ले वन और एलिटा बैटल एंजल। तो गियर अप, क्योंकि ये रिव्यू होने वाली है एकदम दड़कता भड़कता। सबसे पहले बात करते हैं वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ थाउजेंड प्लैनेट्स की। इस मूवी को अगर एक लाइन में डिस्कस करना हो तो मैं कहूंगा विजुअल ओवरलोड। लूज बेसन ने इस फिल्म के साथ आपको एक एलियन फ्री यूनिवर्स के इपिक सफर पे ले गया है, जहां आपको हर सीन में एक नए दुनिया का नया फ्लेवर मिलता है। वेलेरियन और लॉरेन के बीच की केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन असली हीरो यहाँ पे अल्फा वो सिटी, जहाँ हजार प्लेनेट की सिविलाइजेशन एक साथ रहती है। एक्शन से लेकर साइंस फिक्शन एलिमेंट तक ये मूवी एक विजुअल ट्रीट, लेकिन कहानी थोड़ी वीक होती है। अगर आपको सीजीआई और एलियन दुनिया देखना पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टीवन स्पेलबर्ग के फ्यूचरिस्टिक मास्टरपीस रेडी प्ले वन। भाई अगर आप एक ड्रीमर हो तो ये मूवी आपके लिए ड्रीम है। इस मूवी में ओएसएस एक विजुअल रियलिटी वर्ल्ड है, जहां लोग अपनी बोरिंग लाइफ से निकल के एक फैंटेसी वर्ल्ड में घुस जाते हैं। हर सीन ऑस्ट्रेलिया से भरा हुआ है, फ्रॉम ओल्ड स्कूल वीडियो गेम्स टू आयोनिक मूवी रेफरेंस। मैं तो कहूंगा स्पेलबर्ग ने विजुअल रियलिटी का एकदम नेक्स्ट लेवल विजन दिखाया है। कहानी रिवॉल्व करती है वर्ल्ड वॉर्स के आसपास, जो ओएसएस के अंदर एक ट्रेजर हंट पे होता है। लेकिन जो चीज सबसे अमेजिंग है वो है इसका एक्शन पैक गेमिंग वर्ल्ड, एकदम इमर्सिव। अगर आपको एक्शन गेमिंग और ईस्टर एग्स के मजे में घुसना है तो ये मूवी एक मस्ट वॉच है। और अब बात करते हैं रॉबर्ट रोड्रिगेज की एलिटा बैटल एंजल पर। भाई एलिटा सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक फुल ऑन सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है, जब एलिटा एक साइबॉर्ग फ्यूचर की एक साइबॉर्ग दुनिया में जाती है तो हमें एक इमोशन और एक्शन पैक राइड मिलती है। ये मूवी एक परफेक्ट ब्लेंड एंड हार्ट वार्मिंग इमोशन और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन का। एलिटा के कैरेक्टर में जो इनोसेंस और फेयरनेस है वो आपको एकदम सीन से चिपका के रखेगा। एक्शन सीन्स स्पेशली मोटर बॉल के सीक्वेंस एकदम जॉ ड्रॉपिंग है, और एलिटा का जर्नी अपने आइडेंटिटी को डिस्कवर करना वो तो एकदम कैपेसिटिंग है। टेक्नोलॉजी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल आर्क रियली आपको साइंस फिक्शन मूवीज में मिलता है। तो दोस्तों, ये तीन साइंस फिक्शन धमाका फिल्म का रिव्यू। वेलेरियन आपको वर्चुअल ट्रिप देगा, रेडी प्लेयर वन आपको एक इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाएगा, और एलिटा तो आपको दिल और दिमाग दोनों जीत लेगी। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको और कमेंट में बताना कौन सी मूवी आप सबसे पहले देखा होने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपने फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में दोस्तों के साथ एडवेंचर एंजॉय करो।